भारत और पाकिस्तान का फर्क बस कुछ सेकंड में आपको दिखा देते हैं। हम भारत पाकिस्तान सीमा पर खड़े हैं, ये जीरो लाइन, इस तरफ पाकिस्तान देखिए, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। यहां पर क्या लिखा है, मेरा देश महान, प्राउड टू बी इंडियन, जीवन पर्यंत कर्तव्य, जो कि बीएसएफ का नारा है। अब समझिए, एक देश जो मजहब पर टिका है, एक देश जो हर एक हिंदुस्तानी पर टिका है। बस यही फर्क है हिंदुस्तान में और पाकिस्तान के अंदर। सही बात है। और ये फर्क साबित करके दिखाया हमारे हिंदुस्तान की बेटियों ने पाकिस्तान की, जो क्रिकेट के मैदान की जो आज धुलाई की है। थोड़ी सी हम आपको एक डिस्क्लेमर दे दें कि आज जो है ना वो पाकिस्तानियों के बड़े दिल जले हुए हैं। तो I'm speechless. मुझे बड़ी मायूसी हुई जब मैं थोड़ा सा फॉलो कर रहा था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वुमेन क्रिकेट मैच को। That was quite disappointing. काफी अरसे से हम खेल रहे हैं। बल्लेबाज बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे और बॉलर्स विकेट्स लेना ही भूल गए। लानत है तुम लोग पे, लानत। और पाकिस्तान को बाहर का ही रास्ता दिखा दिया, गेट आउट, कॉमनवेल्थ गेम से आउट करवा दिया। मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या कमेंट्स, इस कमरे में मैं बैठा हुआ था, वहाँ पर सारे इंडियंस थे और मैं अकेला पाकिस्तानी था, और जो बातें मैंने सुनने को मिली वो खुद मुझसे दबे दबे लफ्जों में ये कह रहे थे, यार ये टीम क्या है, ये टीम क्या क्रिकेट खेल रही है, क्या कर रही है, ये तो मजा ही नहीं आएगा, ये तो मैच वन साइडेड हो गया। मतलब है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना शर्मिंदा वहाँ बैठा हुआ था। प्लीज ये अच्छा, पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट ही खत्म हो गया, पाकिस्तान की औरतों के लिए उनके घर जाने का रास्ता खोल दिया। मतलब कि वुमेन्स ने किया क्या है आज, मुझे कोई ये बता दे कि आज पाकिस्तानी वुमेन्स ने क्रिकेट खेली तो खेली क्या है कि आप देखें ना, बल्लेबाजी होती है ना बॉलिंग होती है, ऊपर से फील्डिंग तो अल्लाह ही अल्लाह, और विकेटों के बीच में भागा नहीं जाता, विकेट दे रहे हैं। 18 ओवर का मैच है, 18 ओवर के मैच होने के बावजूद आप इसको कह सकते हैं 99 रन कर रहे हैं बोर्ड। 18 ओवर का मैच था, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 99 रन बनाए, भारतीय टीम ने इसे 12वें ओवर में मैच को खत दिया खल्लास। पाकिस्तानियों अपना घर का टिकट पकड़ो और जाओ। और नेचुरल सी बात है, जब हिंदुस्तानी जीतेंगे तो पाकिस्तानियों को पोरकियों को तो लगेगी थोड़ी सी मिर्ची, और मिर्ची लगना बनता भी है भाई, क्योंकि वो दुनिया में किसी से भी हार सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तानियों से हारना पाकिस्तानियों को कतई बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए पाकिस्तानी जले भुने बैठे हैं। 100 तक नहीं जोड़ सकी पाकिस्तान वुमन टीम यहाँ पे, और 99 ऑल आउट, दिस इज इट, पाकिस्तान वुमन टीम नीड्स टू बकल अप, डेफिनेटली नीड्स टू बकल अप। पता नहीं क्या परफॉर्मेंस है, इस परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहा जाए, किस पॉइंट पे मैं सोचूं कि शायद इनको किसी तरह डिफेंड कर सकूं, मगर कुछ बचाया ही नहीं है। कहां ये हमारी बोलर्स डिफेंड कर पाएंगी, वो भी बहुत मुश्किल लगता है मुझे। लेकिन पाकिस्तान इस मुकाबले में कुछ ना कर सका, बल्कि इंडियन वुमेन्स ने पाकिस्तान वुमेन्स को बम्बूजल कर दिया है, बुरे तरीके से जो है इस मैच को हरा दिया पाकिस्तानी वुमेन्स को, और इंडियन वुमेन्स इस मैच को लेकर फतेहयाब हुई है। स्मृति की बात करें तो वो छा गई है, क्या फिनिश किया, क्या जबरदस्त उन्होंने जो है वो इनिंग खेली है। इस वक्त बिल्कुल मतलब है कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस ऐसा लगता है जैसे बच्चे खेलना भूल गए, और आज ना उनकी फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, ऐसा लगता है कि वो सब कुछ भूल गए। और मेरे पास तो समझ भी नहीं आता कि क्या मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ। हमारे पास प्लेयर्स भी बड़ी अच्छी हैं, टीम कॉम्बिनेशन भी आई बिलीव अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद ये होना, इस पे क्या कमेंट करेंगे आप, हम इंडिया से हार गए। उस पे कमेंट ही करते थे, लेकिन चाहे मेंस हो या वुमेन्स हो, हम इंडिया से हारते हैं तो हमारी बुरा, मैं जितना खेला हूँ शायद ही कोई, आई थिंक मैं बड़ा पार्ट रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान मैचेस का, तो एक बहुत बड़ा प्रेशर, बट यहाँ प्रेशर की बात नहीं है। आप ठीक है, आप पहले इतने अच्छे नहीं थे, आप यकीनी तौर पर हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो रही थी, होती है वुमेन्स की टीम को खिलाना। हकीकत यह है कि हम बहुत सेफ खेल गए इसमें, अगर हम सही बात करते हैं, इसलिए कि हम डरे हुए हैं उनसे। आई थिंक ये क्योंकि हमने अपनी टीम जो 11 की टीम है वो मेरी नज़दीक वो ठीक नहीं खिलाई आपने, और उनकी बैटिंग भी अच्छी है, क्योंकि कैप्टेंसी भी मुझे इतनी बेहतर नज़र नहीं आई, वो प्रोफेशनल है, हमसे ज्यादा बेहतर प्रोफेशनल है, और आपके यहाँ से 150 भी नहीं हो सके, ये बात नहीं है। ये तो विमेन क्रिकेट टीम या विमेन क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है, वैसे रमीज राजा साहब बड़े कंसर्न नजर आते हैं, हमें ये भी पता लगा है कि कोई ही इज आल्सो प्लानिंग अ लीग पाकिस्तान नहीं, अगले साल से हो रही है। हाँ, हो रही है, तो अभी इस सारी सूरत हाल को देखते हुए डू आर यू सेटिस्फाइड विद द स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल क्रिकेटर्स दैट वी हैव, या विमेन क्रिकेट के लिए जो स्ट्रक्चर हमारा है, आपने चूंकि खुद खेला भी है, कोच भी किया है, आप इससे मुतमईन है, आप समझते हैं कि वी नीड टू वर्क मोर ऑन दिस, क्योंकि जब तक बच्चियां बिल्कुल ग्रॉस रूट से नहीं आएंगी निचली सतह से, तब तक हम बेहतर क्रिकेटर्स नहीं ला सकते, जैसे हम मेन क्रिकेट की बात करते हैं। 18 ओवर का मैच है,
18 ओवर के मैच होने के बावजूद आप इसको कह सकते हैं 99 रन कर रहे हैं बोर्ड के ऊपर, और लगभग मेरा ख्याल अब इंडिया मैच ही जीत ही गया, दो रन इंडिया को रह गए हैं पीछे। मतलब कि क्या ये समझ से बाहर है कि पाकिस्तानी वुमेन्स को मतलब कैसे बोले, तो ऐसे लगता है इनमें जान ही नहीं है, जिस तरह खेलने नहीं आए अभी। नहीं मतलब कि आप बारबाडोस से जैसी टीम से हार गए, फिर आप इंडिया से मुकाबला करने जा रहे हो, और आपकी अप्रोच देखो, उनको देख रहे हमारी कप्तान बिस्मा मारूफ, बंदा क्या बोले, 30 साल की वो हो चुकी हुई है, वो T20 को ODI की तरह खेल रही होती है। मतलब कि ये ODI मैच थोड़ी है, ये T20 मैच है। आप जिसको कहते हैं 19 बॉलों पे 17 बना रही हैं, आलिया रियाज की बात करें, उन्होंने क्या किया आपके सामने है, मतलब पिछला मैच भी उन्होंने हरवा दिया 24 बॉलों पे 12, इस मैच में भी उनकी परफॉर्मेंस क्या थी 22 बॉलों पे 18। रही बात स्मृति मंधाना को आप देखें, इंडिया की ओपनर, मतलब कि वो स्मृति लड़की ने क्या जबरदस्त इनिंग्स खेली, ऐसा लग रहा है जैसे औरतों का ऋषभ पंत खेल रहा हो। मतलब कि स्मृति ने ऐसी जबरदस्त किस्म की शॉट्स मारी हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जिसको कह सकते हैं ये कोई औरत खेल रही है, इतनी परफेक्शन से उसने शॉट्स खेली है। मतलब कि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो इंडिया की टीम है ना, इंडिया की टीम में ये इनको हीरा मिली हुई है स्मृति लड़की ओपनर, और क्या खूबसूरत तरीके से खेल रही है। अभी इसने विनिंग शॉट खेली है, एक चौका मारा है विनिंग शॉट खेल के, और मैच बिल्कुल इंडिया जीत चुका है। कितने रन कर गई स्मृति? 63 नॉट आउट, मतलब के इतनी परफॉर्मेंस। अब्दुल्ला भाई बात ये है कि वो उनकी बंदी है, वो उनकी टीम से खेल रही है, हमारी टीम से कौन ऐसी स्मृति जैसी इनिंग्स खेलेगा, कब खेलेगा, मतलब कि किया कि वो कैलिबर आपके पास अभी नहीं है, आप वही गिने चुने 10-15-20 ज्यादा से ज्यादा 20 ऐसे हैं आपके पास, लेकिन वो भी इस स्टैंडर्ड के नहीं है। आप देखें इतने पुराने भी अभी खेल रहे हैं कुछ लोग। आप कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम इंडिया को हराएगी, कैसे हराएगी जब ऐसी परफॉर्मेंस हम देते रहेंगे, हम कैसे इंडिया को हराएंगे? देखें अभी हमने तो पीसीबी ने तो बड़ा कुछ किया है, इनकी सीरीज भी काफी होती है, अभी इनका PSL भी मेरा ख्याल शुरू होने लगा है, लेकिन फिर भी इनकी ये परफॉर्मेंस है इनकी, तो क्या फायदा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पाकिस्तानी ऐसे बिलबिलाते हैं, देखने के बाद काफ़ी सुकून की प्राप्ति होती है। अगर आपको भी अगर सुकून की प्राप्ति हुई है तो 10-12 कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, और मेरा इंस्टाग्राम भी है, मेरा ब्लॉगिंग चैनल भी है, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप चाहो तो एक को फॉलो कर लो, एक को चाहो तो सब्सक्राइब कर लो, कभी कभी ब्लॉग भी बना लेता हूं मैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।